करोड़ों के आलीशान घर में टीवी की रूही ने किया गृह प्रवेश। 15 साल की उम्र में रूहानिका ने खरीदा है अपना आशियाना। परिवार के साथ की पूजा तो घर को फूलों से है सजाया। मंदिर में भगवान की आरती उतार कर टेका मत्था। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी की ऑन स्क्रीन बेटी रूही का किरदार निभाकर घर घर में फेमस होने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट रूहानिका धवन इस समय चर्चा में छाई हुई है। आखिर वजह है ही इतनी खास, भाई 15 साल की छोटी सी उम्र में रूहानिका ने अपने सपनों का आशियाना जो खरीद डाला है। इस बात से फैंस जहां काफी खुश हैं, तो वहीं ये पल उनके परिवार वालों के लिए भी बेहद खास है। अब जब रूहानिका का मुंबई में घर हो ही चुका है, तो उन्होंने अपने होम स्वीट होम में गृह प्रवेश भी कर लिया है। जी हाँ, खुद रूहानिका ने ही अपने नए घर में शिफ्ट होने की खास झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। जहाँ पूरे पूजा पाठ के साथ रूहानिका ने अपने परिवार के साथ अपने नए आशियाने में कदम रखा है। दरअसल रूहानिका ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं। सामने आई इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि येलो कलर के बेहद ही खूबसूरत इंडियन अटायर में रूहानिका कितनी प्यारी लग रही हैं। रूहानिका की मॉम ने भी उनके साथ आउटफिट की कलर ट्विनिंग की है। वहीं उनके कजिन्स ने उन्हें खुशी से गोद में भी उठाया हुआ है। साथ ही इस मौके के लिए उन्होंने अपने घर को गेंदे के फूलों से भी सजाया हुआ था। रूहानिका को अपने घर के अंदर छोटे से मंदिर में आरती करते हुए भी देखा गया। इन तस्वीरों में रूहानिका के चेहरे की मुस्कान उनकी खुशी बयान करने के लिए काफी है। आखिर उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने नाम इतना बड़ा गोल जो अचीव किया है। वहीं रूहानिका ने ना सिर्फ इन पिक्चर्स को शेयर किया, बल्कि इसके साथ एक खूबसूरत नोट को भी कैप्शन में शेयर किया। रूहानिका ने लिखा, मेरे अपनों के लिए, मेरे सपनों के लिए, मेरे आज के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे हर अच्छे और कठिन समय के लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। मैं सदा अपने ईश्वर, गुरु, पिता, माता, पृथ्वी के आगे सिर झुकाती रहूं। रूहानिका ने जैसे ही इन तस्वीरों को शेयर किया, तो फैंस भी अपना प्यार लुटाने से पीछे नहीं रहे। बता दें कि रूहानिका धवन ने नए साल के मौके पर ही अपने फैंस को बताया था कि उन्होंने खुद के लिए एक लेविश घर खरीद लिया है। 1 जनवरी को रूहानिका ने अपना नया घर खरीदने की खुशखबरी दी थी। वहीं अपने इस अचीवमेंट का क्रेडिट रूहानिका ने अपनी मम्मी को दिया था। यूं तो रूहानिका के नए घर की बात से उनके चाहने वाले बेहद खुश थे, लेकिन लोगों का एक खेमा ऐसा भी था जिन्हें इस बात में भी नुक्स निकालने का मौका मिल गया। क्योंकि जैसे ही रूहानिका ने अपने नए घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, तब कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने रूहानिका की मां डॉली धवन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बच्ची से काम करा रही हैं। हालांकि ट्रोलिंग से दूर रूहानिका तो इस समय अपने नए घर को खरीदने की खुशी एंजॉय कर रही हैं। वहीं अब तो उन्होंने नए घर में अपने कदम भी रख लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।